चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर दिल्ली एवं जयपुर दोनों से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर बसा है औद्योगिक एवं ऐतिहासिक शहर बहरोड़। दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बहरोड़ शहर के पूर्वी भाग को छूते हुए गुजरता है। कोटपूतली जनपद का दूसरा सबसे बड़ा यह शहर अपने आधुनिक परिवेश के लिए विख्यात है। तो आइए बहरोड़ शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे हनुमान चौक से। हनुमान चौक बहरोड़ का सबसे व्यस्त चौराहा है। हनुमान चौक से उत्तर में सड़क कुंड की ओर, दक्षिण में सड़क तहसील की ओर, पूर्व में नारनौल मार्ग एवं पश्चिम में बस स्टैंड मार्ग स्थित हैं। बस स्टैंड मार्ग हनुमान चौक को दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नया बस स्टैंड चौराहा से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। डिवाइडर युक्त इस आधुनिक मार्ग पर दोनों ओर सुंदर भवन एवं व्यावसायिक इमारतें बड़ी संख्या में स्थापित हैं। बहरोड़ शहर एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर बहरोड़ शहर में वर्तमान में लगभग 48,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से नवसृजित कोटपूतली बहरोड़ जनपद का कोटपूतली के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा शहर है। साथ ही यह व्यापारिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से भी जनपद में विशिष्ट स्थान रखता है। बहरोड़ ब्रिटिश काल में अलवर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर एवं तहसील था। देश स्वतंत्र हुआ तो यह राजस्थान राज्य का हिस्सा बना एवं अलवर जनपद में एक तहसील के रूप में इसे पहचान मिली। 17 मार्च 2023 को राज्य सरकार द्वारा 19 नए जनपदों का सृजन करने पर कोटपूतली बहरोड़ जनपद अस्तित्व में आया एवं बहरोड़ शहर कोटपूतली बहरोड़ जनपद का अंग बन गया। बस स्टैंड मार्ग अपने पूर्वी छोर पर बस स्टैंड चौराहा पर पहुंचता है। बस स्टैंड चौराहा पर सदैव व्यस्तता बनी रहती है। यहां उत्तर में राजमार्ग दिल्ली की ओर एवं दक्षिण में जयपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। पूर्व में जाने वाला अलवर मार्ग खैरथल एवं अलवर आदि से जोड़ता है। नया बस स्टैंड चौराहा के आसपास का समस्त क्षेत्र शहर के आधुनिक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। हनुमान चौक से दक्षिण में प्रारंभ होने वाला मार्ग तहसील मार्ग के रूप में जाना जाता है। बहरोड़ राजस्थान राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। तहसील मार्ग पर तहसील एवं उपखंड अधिकारी कार्यालय, थाना कोतवाली बहरोड़ का प्रशासनिक भवन आदि स्थित हैं। तहसील के ठीक पीछे पश्चिम की ओर कुछ ही दूरी पर जिलानी माता का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। जिलानी माता मंदिर बहरोड़ के आसपास के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। तहसील कार्यालय से तहसील मार्ग दक्षिण में कुछ ही दूरी पर स्थित हामिदपुर मोड़ से गुजरता है। हामिदपुर मोड़ से पश्चिम में सड़क हामिदपुर की ओर एवं पूर्व में पुराने शहर में स्थित मेन बाजार की ओर प्रवेश करती है। शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित बाजार बहरोड़ का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं, जहाँ आसपास के ग्रामीण एवं शहर के लोग खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। हमीरपुर मोड़ से तहसील मार्ग दक्षिण में तीसंग मोड़ की ओर बढ़ जाता है। बहरोड़ कोटपूतली जनपद की 8 तहसीलों एवं 7 उपखंड स्तर के शहरों में एक है। यहाँ पुलिस क्षेत्राधिकारी का पद भी स्थापित है। नीमराना एवं माधन तहसीलों का सृजन भी पूर्व समय में बहरोड़ तहसील का विभाजन कर ही किया गया है। तहसील मार्ग अपने दक्षिणी छोर पर तीसंग मोड़ चौराहे पर पहुंचता है। यहाँ राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का परिसर भी स्थित है। तीसंग होकर हरियाणा के नांगल चौधरी की ओर प्रस्थान कर जाती है। तीसंग मोड़ चौराहे से पूर्व की ओर सोता नाला मार्ग मोहल्ला नैनसुख अहीर बहरोड़ डागढ़ आदि से होते हुए जयपुर मार्ग स्थित जागोवास चौक से जोड़ता है। यह मार्ग घनी आबादी क्षेत्र से होकर गुजरता है। बहरोड़ जैसे विकसित शहर में आना एवं इसे कैमरे में संजोना एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें
बहरोड पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो बहरोड शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।